कांग्रेस नेता राहुल गांधी हिंसाग्रस्त राज्य मणिपुर पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों द्वारा कांग्रेस नेता के दौरे का विरोध किया गया। जगह जगह लोगों ने गो बैक राहुल गांधी के नारे लगाकर अपना आक्रोश जाहिर किया। बता दें कि राहुल दो दिनी दौरे के लिए मणिपुर पहुंचे थे, लेकिन विष्णुपुर के SP ने उन पर हमले की आशंका व्यक्त करते हुए हिंसाग्रस्त इलाकों में जाने से रोक लगा दी। राहुल को पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया गया। वहीं पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद अब राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से चुरा चांदपुर में पीड़ित परिवार से मिलेंगे। दरअसल हिंसा की चपेट में आए लोगों को वहां बसाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुरा चांदपुर ही वह इलाका है जहां हिंसा का सबसे ज्यादा प्रभाव देखा गया था। कार्यक्रम के मुताबिक राहुल गांधी को दो शिविर कार्यक्रमों में जाना था, लेकिन अब पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद उन्हें अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा है। उधर कांग्रेस राहुल को हिंसाग्रस्त इलाकों में जाने पर रोके जाने पर BJP पर हमलावर हो चुकी है। कांग्रेस का आरोप है कि BJP ने जानबूझकर राहुल गांधी के दौरे को रोका है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार मणिपुर की असल सच्चाई को देश से छुपाना चाहती है, जिसे ध्यान में रखते हुए राहुल को हिंसाग्रस्त इलाके में जाने नहीं दिया गया। बता दें कि बीते दिनों मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी, जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्य में शांति स्थापित करने की मांग की थी, तो वहीं मुख्यमंत्री NBN से इस्तीफा भी मांगा था। पिछले कुछ दिनों से विपक्ष की ओर से मणिपुर में जारी बवाल को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया है जिससे हिंसाग्रस्त राज्य में शांति स्थापित हो सके। वहीं अब राहुल को मणिपुर दौरे के बीच रोके जाने पर BJP ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। BJP प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी के मणिपुर जाने से पहले वहां की ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन ने राहुल गांधी के विजिट को बायकॉट करने की मांग की है। कई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने भी आह्वान किया था कि राहुल गांधी मणिपुर न आए और यहां चिंगारी भड़काने का काम न करे। गौरतलब है कि पिछले एक माह से अधिक समय से मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है। इस हिंसा की जद में आकर अब तक 120 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, तो वहीं सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। कई लोगों के आशियाने इस हिंसा ने छीन लिए। दरअसल यह हिंसा मेथी समुदाय द्वारा ST दर्जे की मांग को लेकर शुरू हुई। मेथी समुदाय आरक्षण की मांग कर रहा है, जिसका कुर्की समुदाय द्वारा विरोध किया जा रहा है, लेकिन अब यह विरोध हिंसा में तब्दील हो चुका है, जिसकी जद में आकर पिछले एक माह में मणिपुर झुलस रहा है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।